एवरीवन, सत श्री अकाल सारिया नूं। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास। अज आपां करन जा रहे हां क्लास 9th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी किताब वेलकम लाइफ, स्वागत जिंदगी दा 6वां चैप्टर मैनेजिंग इमोशंस, यानी कि अपनियां भावनावां नूं समझना, एहसास करना। ते उहदे विच आपां शुरू करांगे डी पार्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड नूं आपां कह सकदे हां वी सकारात्मक विचार या रवैया रखना, वधिया सोचना, वधिया करना। डियर स्टूडेंट्स, मेक एफर्ट्स फॉर थिंकिंग पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली एंड कंस्ट्रक्टिवली। प्यारे विद्यार्थियों, वधिया सोचना, आशावादी सोच रखना, ते नाल दी नाल कंस्ट्रक्टिव सोच रखना जिदे नाल तुसी कुछ बदलाव लेके आ सको, एक वधिया गल हैगी है, ते इहदे वाल आपां जोड़ लाना। वन शुड ऑलवेज बी होपफुल and have a progressive outlook। व्यक्ति नूं हमेशा आशावादी होना चाहिए है, ते उस नजरिए वाल अगे जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए है भी मैं अगा नूं ही चलांगा। Be confident and believe in yourself। भरोसा रखो, आत्मविश्वास रखो, अपने आप ते विश्वास रखो, but also have the courage to listen to your own criticism। अपने आप ते विश्वास रखना वधिया गल है, पर नाल दी नाल अपनी आलोचना नूं सुनना ये भी जरूरी है। जे कोई दसदा है भी ये माड़ा हो रहा है, ठीक हो रहा है। एंड वैल्यू दी ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ते दूजे लोकां दे जिहड़े विचार हैगे ने उहनां दी भी कदर करो। ये नहीं भी मैं ही मैं। ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट इन योर व्यूज, अपने विचारां नूं लै के हमेशा तुहानूं पारदर्शिता दिखानी है भी इदां दे विचार हैगे ने मेरे। एंड हम्बली एक्सप्रैस योर व्यू पॉइंट, ते अपने जिहड़े दृष्टिकोण हैगा उहनूं प्रगट करो भी हाँ मैं इदां सोचदा। बट ऑल्सो पे अटेंशन टू द व्यूज एंड सुजेशन ऑफ अदरस, अपना तो तुसीं दसता पर दूजिआं दे विचार सुझाव जिहड़े हैगे ने उहनां वल वी ध्यान दिओ। एंड कंसिडर इफ रेलेवेंट, अते जे उह ढुकवें हैगे ने तां उहनां नूं ध्यान विच जरूर रखो। हुण इत्थे कुछ गल्लां दसियां गईयां ने, तुसीं दसदे तुसीं किहड़ी गल नूं देखदे हो। स्टेटमेंट इत्थे दित्ती होई है, तुसीं हमेशा करदे हो, ऑलवेज, समटाइम्स इदां करदे हो, कई कई वार, या कदे नहीं करदे, नेवर। पहला, आई स्पीक क्लीयरली एंड अनइक्वीवोकली, कहण दा मतलब मैं हमेशा स्पष्ट ते सिद्धा गल करदी हाँ। बिल्कुल, आई बिलीव इन माई सैल्फ, मैनूं अपने आप ते विश्वास है, हमेशा ही हुंदा है। आई स्पीक विद ह्यूमिलिटी एंड पोलाइटनेस वाइल एक्सप्रेसिंग माई व्यू पॉइंट, जदों मैं अपना कोई गल रखनी है तो मैं बहुत निम्रता दे नाल, प्यार दे नाल उहनूं दूजे अगे रखदी हाँ। बिल्कुल, आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस, मैं अपनियां भावनावां ते काबू रखदी हाँ, पा सकदी हाँ। यस, आई गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द सुजेशंस ऑफ अदरस, मैं दूजियां दे सुझाव ते भी ध्यान दिंदी हाँ। बिल्कुल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ माई गोल्स, मैनू लगता है भी मेरी जिहड़ी अप्रोच हैगी है अपने गोल्स नूं अचीव करन दे लई ओह आशावादी है भी ये हो जूगा, पॉजिटिव रहिंदी हाँ। बिल्कुल, I value the feelings of others, दूजियां दीयां भावनावां दी कदर करदी हां। I dare to refuse when required, जद लोड पवे तां मैं मना भी कर दिंदी हां, उहदी हिम्मत रखदी हां वी हां ये गलत है, नहीं मेरे तों नहीं होणा। I do not believe in finding fault with others, दूजियां च गलती लब्भणा इस दे विच मैं विश्वास नहीं रखदी। I listen carefully to the opinions of others, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਵਾਟ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਟੂ ਮੇਕ ਯੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਐਗਰੈਸਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।